डिमरिया हनुमान मंदिर पहुंचे कमलनाथ ने रामायण सीरियल में हनुमान जी की भूमिका निभाने वाले अभिनेता विक्रम मस्ताल को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर जमकर तंज कसे और विक्रम मस्ताल बुधानी के रहने वाले हैं और इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस उन्हें बुधानी में शिवराज सिंह के खिलाफ टिकट दे सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विक्रम मस्ताल को शिवराज सिंह से एक्टिंग सीखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि शिवराज जी आप मुंबई जाकर एक्टिंग कीजिए, बहुत नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, धर्म राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं। मैं हनुमान भक्त हूँ लेकिन मैंने मंच पर कभी नहीं कहा, मैंने मंदिर बनाया तो उसका प्रचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह अब घोषणाएं कर रहे हैं, पहले 18 साल के से क्या कर रहे थे। प्रदेश में चल रहे पोस्टर वार पर उन्होंने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि मेरे राजनीतिक जीवन में मुझ पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। रामायण सीरियल में हनुमान की भूमिका निभाने वाले विक्रम मस्ताल ने नर्मदा नदी पर हो रहे उत्खनन पर चिंता जाहिर की और कहा कि अगर इसी तरह से यह उत्खनन चलता रहा तो 2070 तक मां नर्मदा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम नर्मदा उपासक हैं, इसीलिए उनकी रक्षा करना हमारा धर्म बनता है। उन्होंने आगामी चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी किया है। 18 साल बाद शिवराज सिंह जी को ये सब याद आ रही है, सब चीज लॉन्च कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। देखिए ये सब जनता जानती है, आप सब जानते हैं कि कौन सबसे भ्रष्ट है पूरे प्रदेश में। मेरे ऊपर राजनीतिक जीवन में किसी ने उंगली नहीं उठाई। सर क्या कमी नहीं है? अवैध खनन, शहरों का गिरता हुआ गंदा पानी, मुझे लगता है जिस तरह से इलीगल माइनिंग हो रही है, और मैंने कहीं सर्वे में पढ़ा था कि 2070 तक मां नर्मदा कहीं लुप्त हो जाएंगे, तो हम उनके किनारे रहते हैं, बचपन के संस्कार है हमारे, अमावस पूर्णिमा वहां दर्शन करने जाते थे, तो उनकी रक्षा करना हमारा धर्म बनता है और वो सब राजनीति से भी ऊपर है। देखिए 2018 में भी स्थिति बहुत मजबूत थी, पूर्ण रूप से सरकार आई थी और इस बार भी इतने भारी बहुमत के साथ आएगी कि कोई भी कोई अगर आगे पीछे होगा तब भी सरकार नहीं हिला पाएगी। एनबीसीएन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।